आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। कब्र खोदकर मुर्दे के अंगों की चोरी, रतनपुर थाना क्षेत्र का मामला, मुस्लिम समाज में देखा जा रहा है रोष। बिलासपुर जिले के रतनपुर में चोरी की एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, यहाँ चोरी रुपयों और गहनों की नहीं हुई बल्कि मुर्दे के अंगों को ही गायब कर दिया गया। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक शख्स फतवा पढ़ने अपने परिजन के कब्र के पास पहुंचा हुआ था। कब्र को खुला देखकर उसके होश उड़ गए। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर जिले में रतनपुर थाना अंतर्गत चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस की परेशानियों को बढ़ाकर रख दिया है। चोरों ने जिस चीज की चोरी की है उसकी कल्पना करने मात्र से ही शरीर में सिहरन दौड़ जाएगी। जी हाँ, यहाँ चोरी किसी सामान की नहीं बल्कि मुर्दे के अंगों की हुई है। दिल दहला देने वाला यह मामला सनिचरी बाजार के नजदीक मुस्लिम कब्रिस्तान का है। इस मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक व्यक्ति अपने परिजन के कब्र पर फतवा पढ़ने गया हुआ था। उसने देखा कि कब्र खुदा हुआ है, लाश के कुछ अंगों को निकाल लिया गया है। व्यक्ति ने तुरंत अपने समाज और पुलिस को मामले से अवगत कराया। कब्र खोदकर जिस तरह से मुर्दे के अंगों की चोरी की गई है उसे पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस इस मामले को अंगों की तस्करी से जोड़कर देख रही है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। जिस तरह से शव के अंगों के साथ ही बाल को ले जाया गया है उससे इस बात से भी इनकार नहीं किया जा रहा है कि किसी के द्वारा जादू टोने के लिए चोरी की गई होगी। बहरहाल कारण चाहे जो भी हो, इस मामले को लेकर मुस्लिम समाज में काफी रोष देखा जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले का पट्टा छेप कब तक करती है। कोरबा राजकमर से नागेंद्र पाल की रिपोर्ट। करीब 12-1 बजे के बीच में करैयापारा निवासी खली खान ने फोन से सूचना दी और बताया कि मेरी बेटी की कब्र जो कि 2 महीने पहले दफनाया गया था जिसे, और उसकी कब्र को खोद के कुछ लोगों ने उसकी डेड बॉडी के कुछ पार्ट्स को निकाला है। इस पर मौके पर जाकर देखा गया तो उसकी कब्र के साथ छेड़छाड़ हुई थी। अपराध कायम कर लिया गया है 295 का और जांच की जा रही है।